हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पटैटो चिप्स रोल, वो भी एकदम क्रिस्पी। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है। इसे बच्चों के लंच में या इवनिंग स्नैक के रूप में आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होता है। दिखने में जितना टेम्पटिंग है, बनाने में उतना है इजी। तो चलते हैं किचन में। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। आलू चिप्स रोल बनाने के लिए हमने दो बड़े साइज के आलू को छीलकर पानी में डाला है, जिससे ये काले ना पड़े। आपको जितने चिप्स बनानी हो आप उसके अकॉर्डिंग आलू ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे चिप्स कटर की सहायता से इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। चिप्स को पानी में ही काटें वरना ये काले पड़ जाएंगे। जब छोटा सा टुकड़ा रह जाए तो इसे हटा दें। हमने एक आलू के चिप्स को काट लिया। सेम इसी तरह से दूसरे आलू को भी हम स्लाइसेस कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिप्स कट कर तैयार हो चुका है। अब हम 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे, इसके अंदर जो भी स्टार्च हो निकल जाए, जिससे चिप्स क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। 3 से 4 बार पानी से धोने के बाद हम इसे छान लेंगे और किचन टॉवल के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। जितने आलू टॉवल के ऊपर आ जाए उतने हम फैला लिए हैं। अब हम एक दूसरा टॉवल लेंगे और इस तरह से दबा दबा कर एक्स्ट्रा पानी सुखा लेंगे। अब इसका पानी अच्छे से सूख चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट के ऊपर एक एक आलू को फैला लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। इसकी जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं। अब एक छन्नी के हेल्प से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे। कॉर्नफ्लोर को चारों तरफ एक जैसा फैला लेंगे। अगर किसी के ऊपर ज़्यादा आ गया हो तो उसे हटा भी सकते हैं। बस हमें एक पतली सी लेयर चाहिए कॉर्नफ्लोर की। अब हम टूथपिक लेंगे और क्या करेंगे कि आलू के स्लाइसेस को इस तरह से रोल करेंगे। और टूथपिक के नुकीले वाले भाग को इसके अंदर लगाकर इसे बंद कर देंगे। ध्यान रखें कि टूथपिक को बहुत अंदर तक न लगाएं, जिससे इसे निकालने में आसानी हो। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस से सारे रोल को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे 2 चिप्स से भी रोल बना सकते हैं, बट ये थोड़ा मोटा हो जाएगा जिससे क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। अब हमारे सारे रोल बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में, जिसके लिए कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रखा है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक रोल को हम डालेंगे। एक बार में जितने पीसेज आ जाए उतने हम डालकर फ्राई कर लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। जब
जब ये हल्के सीख जाए तो इसे उलटते पुलटते हुए चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब हमारा रोल सीख के रेडी है, तो इसे हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। और सेम प्रोसेस से दूसरा बैच भी सेक लेंगे। अब हमारा दूसरा बैच भी सेक के रेडी है। एक बार के बैच को सेकने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। अब इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं रोल कितना क्रिस्पी बना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसका टूथपिक बाहर निकालेंगे। हमने टूथपिक को निकाल लिया। आप इसे धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और काला नमक डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप कोई भी फेवरेट डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और बच्चों का तो फेवरेट है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रेसिपी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और 2 मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहां आपका वेट कर रही हूं।